जा ही क्यों रहे हो? जब पीछे से कोई खींच रहा है तो भाग ही क्यों रहे हो? जब यही नियति है तो मिलके कुछ बहुत सारा करने के लिए इकट्ठे आए। सोचो मैं कहीं और, तुम कहीं और मेरा आना हुआ यहाँ क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। तुमको नहीं लगता कि तुमको मेरे से मिलने की उम्मीद थी? क्या तुमने सपना नहीं देखा मेरा? मानते हैं मैंने बहुत देर से देखा तुम्हारा सपना, उम्मीद कहीं और थी। सही नहीं था, जानते हैं। अगर मेरा ये बोलना तुमको किसी तरह पहुंच रहा है, सुन लेना। सुनने की जरूरत है तुमको, तुम तो मेरा मन पढ़ लेते। कभी नहीं देखा कि तुम चूक गए मुझे पढ़ते हुए, बोलते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए। जरूर बहुत फॉर्मेलिटी आ जाती है, लेकिन तुम मन से, मन का रिश्ता काफी पहले जुड़ चुका और ये गहराई होता जा रहा है। क्या तुमको नहीं लगता? क्यों जा रहे हो दूर? क्यों कोशिश कर रहे हो मेरे से दूर जाने को? बहुत सारी दिक्कतें हैं, बैठता नहीं यार। लेकिन क्या चाहिए तुमको? नहीं, भी तो वही चाहिए था। कई बार मैंने पूछा आपसे, मन से, मेरे अंदर बैठे हुए गुरुदेव से, सारे से, नहीं होना था, सपना ही क्यों दिया? होना है इसलिए तो बन रहा है। ऐसे होगी तुम तो। क्योंकि मेरे पास आने का ही नियति है, मेरे पास आने की नियति है। वो बोल जो मुझे बोलना था वो तो मैंने बोला, कुछ चाहिए था सुनना? कैसे बोलते बोल कदम आना भी जरूरी है। शायद किसी दिन ये हिम्मत भी मेरे से हो जाए, लेकिन लिए जो उम्मीद, तुम चाहते हो इसकी मर्यादा बनी रहे, या फिर तुमको लगता है कि मर्यादा हमारी
बीच में दूरी बना रही है, किसी दिन ये दूरी भी मिट जाएगी। मैंने चाहा है तुमको, नहीं चाहा मैंने किसी और को। वो जो सपना मेरे मन में चल रहा था, कब जाके पता चला मेरी क्या गलती। शायद कुछ ना हो पाए, चुपचाप एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे, हो जाएगा। देखो मैं तुमको देख रही हूँ, उन्नीस मिनट पहले तुमने मुझे देखा, 19 पहले तुमने देखा, तुम ये पहला कदम ले लो। मैं भगवती हूँ तो मंदिर की घंटी बजी। देखो मैं पैसे मुझे तुम्हारे साथ आए, क्या करूंगी उन पैसों का, क्या करना है उन पैसों का। किसी तरह भगवान करे मुझे समझ आए, मुझे नहीं पता, मुझे आगे का नहीं पता, लेकिन मुझे भरोसा है तुमने ही सिखाया है कि मेरे मन में जो आएगा वो एक ना एक दिन सच हो जाएगा, तुम्हें ने सिखाया है। तुम नहीं जानते, शायद मैं भी नहीं जानती हूँ। देखो ढूंढ के देखो ना, जरा अपने दिल को ढूंढ के देखो ना, ढूंढ के देखो देखो ना, क्या ऐसे तुम्हारे नहीं बुला रखा। दिन ऐसा होगा, मैंने लिखा है, पर जो मैंने लिखा है मेरे सपने और मेरे सपनों के जो भी मैंने लिखा है, पूरी पूरी कहानी मेरे पास है, उसको कई बार पढ़ सकते हैं, पढ़ के जोड़ सकते हैं। अभी जो मैं बोल रही हूँ, एक दिन तुम और मैं साथ में होंगे, वो लाल महल में जो तुम्हारे गोल कार्ड के पीछे है, इसका सपना तुम देखते हो क्या? उस महल में तुमने कभी मुझे भी देखा है? भरोसा नहीं होता, लेकिन दिल बोलता है। फिर से घंटी बज गई, फिर से कि तुमने जिसको देखा उन्हें अगर ये जिंदगी खुश होने के लिए है, ये खुशी समझ लो ना, किसी तरह समझ लो ना।
लिया, उससे ज्यादा कैसे बोला जाए फैमिली से। देख लेना कई बार तुमने देखा, शायद तुमने देखा हो कि मैं तुम्हारा सपना देखा। शायद कई बार तुमने पढ़ा हो कि मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ, समझने की नहीं कोशिश की। समझते तो कभी किसी ने मुझे समझाया कि मैं जल्दबाजी नहीं करूं, जल्दबाजी नहीं करूं पहुंचने के लिए, लेकिन यदि ही तो तब तक पहुंचना है, पहुंचना ही है। ध्यान में देख लेना क्या है, घंटी बज गई थी वहां। तुम और यहीं पे अगर रुक गई के अलावा कैसे पूरा होगा मेरा सपना, मेरे जीने का अर्थ। मुझे बोला और बोल देना इंतजार रहेगा आने।